फरीदाबाद में नेहरू कॉलेज के सामने मुख्य आठ मांगों को लेकर चल रहा NSUI का धरना 18वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे करीब आधा दर्जन छात्रों ने अपने सिर का मुंडन करवाया और फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पुतले की शव यात्रा निकालते हुए कॉलेज के सामने ही पुतला फूंक दिया। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तस्वीरों में मुंडन करवाते हुए दिखाई दे रहे ये छात्र फरीदाबाद के नेहरू कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो पिछले 18 दिनों से NSUI के बैनर तले मुख्य आठ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। आज धरने के दौरान गुस्साए करीब आधा दर्जन छात्रों ने अपने सिर का मुंडन करवाया और फिर सभी छात्रों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पुतले की शव यात्रा निकालते हुए हरियाणा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और फिर छात्रों ने कॉलेज के सामने CM का पुतला दहन किया। NSUI के प्रदेश सचिव कृष्ण अत्री ने बताया कि वह पिछले 8 दिनों से सभी सरकारी कॉलेजों में UG PG कक्षाओं में 20% सीट बढ़ाने, छात्र संघ चुनाव बहाल करने, फरीदाबाद में रीजनल सेंटर बनवाने, नेहरू कॉलेज की जर्जर पड़ी इमारत का निर्माण करने, सभी सरकारी कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं व स्टाफ को पूरा करने, मैगपाई चौक पर छात्रों को रोड पार कराने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण जल्द कराने, सेमेस्टर प्रणाली बंद करने और प्रत्येक कॉलेज में छात्रों के लिए वुमेन सेल का गठन करने जैसी मुख्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे, मगर अभी सरकार ने उनकी सुध नहीं ली है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जल्दी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा नाम कृष्ण अत्री है, NSUI हरियाणा से प्रदेश सचिव हूँ। आज हमारे NSUI के पदाधिकारियों ने एवं छात्रों ने, 5 छात्रों ने मिलकर के आज मुंडन कराया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले 18 दिनों से, आज 19वां दिन है, हमें 18 दिनों रात से हम इस धरने स्थल पर अपनी 8 मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक ना तो खट्टर सरकार का कोई नुमाइंदा, ना जिला प्रशासन की तरफ से, ना यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से हमारी मांगों को सुनने के लिए कोई आया है। जबकि कुछ मांग तो ऐसी है जिनको लेकर के हमने 2015 में भी लगातार 56 दिन का धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी तक 3 साल बीत जाने के बाद उनमें से कोई सी भी मांग पूरी नहीं हुई है हमारी। अब आपके जो मानने हैं तो आपने जो मुंडन कराया है किसी के अर्थी को लेकर, जो खट्टर सरकार सोई हुई है, मैं तो कहूँगा खट्टर सरकार जो मर चुकी है, जो अगर मर जाते हैं तो हमारे कल्चर में एक नया हुआ है कि खट्टर सरकार को मरने के बाद हम अपने बाल दान दिए हैं, जो बालों का हम दान करते हैं उन्होंने खट्टर सरकार के मर जाने के बाद अपने बालों का दान किया है। अब जो है क्या नाम है, अगर वो जाग गई बाई चांस तो क्या क्या मांगे हैं जो लेना चाहिए? हमारी जो एक तो रीजनल सेंटर वाली मांग है, आपके समक्ष 3 साल पहले भी थी, और जो हमारा छात्र चुनाव बहाल करने की प्रत्यक्ष रूप से बहाल करवाना है, UG PG क्लासेस के लिए 20% सीट बढ़वाना है, नेहरू कॉलेज की जर्जर इमारत हो चुकी है उसका निर्माण करवाना है, मैगपाई चौक पर फुट ओवर ब्रिज बनवाना है, सभी सरकारी कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी है, उसके बाद जो हमारे महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वायदे किए थे महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर, हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए, छात्राओं की सुरक्षा के लिए 2 महिला कांस्टेबल हर कॉलेज में उपलब्ध करवानी है, और जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है वो पूरी करवानी है। तो ये मिलाकर हमारी कुल 8 मांग है।